यहाँ पे बैठे दर्शक और जो टीवी पे हमारे दर्शक इस समय हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अर्चना जी, पहले तो दिवाली पे लोग पर्सनली मिलके एक दूसरे को दिवाली की मुबारकबाद देते थे, आजकल सारा बेड़ा गर्क हो गया, मोबाइल ने कर दिया एक्चुअली। कोई किसी से मिलता नहीं, हर कोई एक दूसरे को एसएमएस पे भेज रहा है दिवाली। अच्छा, जो लोग गुजिया से ऊपर कभी सोचा नहीं था जिन्होंने, वो भी भर भर के काजू कतली भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। ये दिनेश को बड़े आते काजू कतली वाले मैसेज, इतना बेवकूफ है, मोबाइल अपना फ्रिज में रख दिया, कहता मिठाइयां बढ़िया है, खराब ना हो जाए। अच्छा, हर कोई आदमी चाहता है ना ऊपर वाला उस पर मेहरबान हो जाए, तो फिर जिस आदमी ने सारी उम्र निकाल दी अपनी जवानी बुढ़ापा बेसन के लड्डू खा खा के, वो भी भगवान को जाके ना रसमलाई का भोग चढ़ाता है। अच्छा, जब इतनी महंगी मिठाई आती है ना, भगवान भी शक करने लगते हैं कि इतनी महंगी मिठाई चढ़ा रहा है, कहीं मेरे कड़े ना उतार ले। तो कभी कभी तो भगवान भी थोड़ा कॉन्शियस हो गए, यूं कर लेते हैं कि ये जाएगा तो मैं हाथ खोलूंगा। कुछ लोगों ने ना घर में तीन तरह की मिठाई रखी होती है, पड़ोसियों के लिए गच्चक गुड़ वाली, रिश्तेदारों के लिए आगरे का सूखा पेठा, और कोई उनका बॉस आए कंपनी का जो भी चीफ है उसके लिए काजू कतली। पड़ोसियों के आगे वही रखते हैं, वो रेवड़ियां हो गई, गच्चक हो गई। कई पड़ोसी बड़े शाने होते हैं, वो जानबूझ के ऐसे मौके पे घुसते हैं जब बॉस आया हो ना पड़ोसी का, वो भी साथ में घुस जाते हैं। आदमी भी देख रहा होता है ये काजू कतली के साथ रेवड़ियां कहां चली आ रही हैं, तो आदमी अब क्या करे। तो वो मौका होता है जब पड़ोसी आके ना काजू कतली पे सर्जिकल स्ट्राइक करता है। क्योंकि उसने बॉस के सामने तो रखनी है। हाँ। तो बॉस आके उनसे पूछ रहे, इनको भी दीजिए। आदमी को बड़ा गुस्सा आता है। बस ये तो आप लीजिए, इनको तो मना किए, शुगर है इनको। ये तो आते रहते, इनका तो छोटा बेटा भी हमारे छोटे कमरे में हुआ था। पड़ोसी कहीं फिर भी बदतमीज होते, फिर एक से क्या होगा। वो ऐसे लोग होते हैं जो शुरू यहां से करते हैं, प्लेट तक जाते जाते यूं कर लेते हैं, तो फिर उनके घर में आया था ना वो भी करते हैं, इनकी मना किया भाभी जी ने, रखिए इधर, काजू कतली रखवा के छोड़ता है। अच्छा, एक मिठाई वाले के परिवार में कितने लोग हैं ना, इस बात का अंदाजा उस बात से लग जाता है, जिस दिन दिवाली होती है ना पूरा परिवार बैठा रहता है दुकान पे, बड़ा ताऊ बड़ा सा पेट निकल के ना उसकी अपनी कचौरी बाहर निकल समोसे निकाल रहा होता है, वो तेल वाले भतीजा मिठाइयां सजा रहा है, छोटी बहन तोल रही है, माँ कहीं पे बैठी हुई है, सारे परिवार में से मिठाइयों की खुशबू आती पता। हाँ, तो वो सूंघ के बता देते, तेरी ड्यूटी कहाँ थी, लड्डू पे था। अच्छा, तो जलेबी पे थी। दिवाली के मौके पे जो मिठाई की दुकानें लगती है आपने देखी होगी ना, दुकान से बाहर तक लग जाती है। उस समय बड़े बड़े ऑर्डर सुनते हैं वो लोग, आप बोलो ना 5 किलो काजू कतली देना, हाँ आपका 5 किलो काजू कतली, अगर कोई बोल दे 1/2 किलो लड्डू, सुनते नहीं वो। अपने दास दादा बड़ी होशियारी करते हैं कि जानबूझ के पहले बोलते हैं 5 किलो काजू कतली। हाँ। वो जैसे देखता, क्या बोला आपने, 1/2 किलो लड्डू। वो कहता आपने तो अभी काजू कतली बोला था 5 किलो, तू पहले 1/2 किलो लड्डू दे, काजू कतली देखेंगे। हमारी अर्चना जी तो बड़ी बड़ी दुकानों पे जाती हैं। अच्छा। कल एक बहुत बड़ी दुकान पे गई, 100-150 मिठाइयां चखी इन्होंने। अच्छा। दुकानदार बोलता बहन जी लेना क्या आपने, सॉरी बहुत सी लग रही है, कल की लग रही है। सारी कल की लग रही है, आज की फ्रेश मिठाई दिखाओ। बोलता मैडम आप कल से टेस्ट कर रही हैं, हम तो घर भी नहीं गए, दुकान आपने बंद नहीं करने दी, बताओ लेनी कौन सी है। मैं तो मिठाइयों से दूर रहती हूँ, चलिए घर पे। अच्छा, दिवाली पे कुछ लोग क्या करते हैं, बचे हुए गुलाब जामुन ना काजू कतली के डिब्बे में डाल के रिश्तेदारों को दे देते हैं। रिश्तेदार भी छाने आपको, 2-3 दिन बाद ना घूम के वही गुलाब जामुन आपके पास आ जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो ब्राउन से थोड़ा थोड़ा हरा हो जाता है। अब क्या करें, थोड़ी थोड़ी स्मेल भी मारने लगता है। तो कई लोग कुत्ते के आगे रख देते हैं। अच्छा, कुत्ता भी जब गुलाब जामुन देखता है ना, तो पहले तो गुलाब जामुन को देखता है, फिर वो उसको देखता है जिसने दिए होते हैं, तो सोच के गाली देता। ये दिनेश दिवाली पे किसी के घर जाता ना, ये नहीं डरता, दबा के मिठाई पेलता है पूरी, पेट भरा भी हो तो भी खा लेता है। अच्छा। कहता पेट ही भरा, गला तो खाली है, यहां तक खा लेगा। क्योंकि इसको पता रहता है ना पेट खराब भी हो गया। हाँ। तो बाहर तो पटाखे चली जाए, अपना कौन सा पता चलेगा। ये पकड़ा तब जाता है जब कोई बम चलाता है और उसका बम फुस हो जाता है। इसका तो इनबिल्ट है, तो आवाज देगा देगा।
दिवाली में सबसे ज्यादा टेंशन में वो लड़कियां रहती जिन्होंने ऐसे रंगोली बनाई रहती है, जिनके घर आते हैं तो सब लोग यही बोलते हैं ना, आइए आइए हैप्पी दिवाली। ये लोग मुंह नहीं देखती पहले, सिर्फ पैर देखती, ध्यान से अंकल ध्यान से, रंगोली भी ना आ जाना इधर से आओ। तो जब आदमी निकल आता है ना उसके बाद देखती है, हेलो मास्टर जी हैप्पी दिवाली, ये आगे बोलते चलो। अगर कोई गलती से इनका अंकल चाचू ताऊ ऐसे पैर छाप देना उसको, फिर ये गंदे तेल का नमकीन खिलाती है। हाँ गुस्से में खिलाती है, किसने हमारी रंगोली खराब की। अंकल फिर घर जाकर कमोड में रंगोली बनाता है। आजकल आप पिछली दिवाली वाले कपड़े रिपीट कर ही नहीं सकते, फेसबुक आपको याद दिला देता है। जैसे पांडे ने कुर्ता पजामा पहना ना, तो इसने कुर्ता तो कोई नया ले लिया, पजामा पिछले साल वाला पहन लिया, और फेसबुक वालों ने फोटो डाल दी, वो केयर फॉर योर मेमोरीज, ये उससे ही लड़ रहा है, कहता केयर ही करनी तो मेरे बच्चों की कर, मेरे पजामे की करेगा, भड़क रहा था। अच्छा आपको पता पटाखों के डिब्बों पे आजकल हीरोइन की फोटो लगी रहती है, जो छोटे छोटे बम होते ना उस पर आलिया भट्ट का फोटो लगा रहता है। हाँ छोटा बम, उसको आग लगाते ना तो वो फटफट नहीं करता, वो कहता बट पट 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 पट। आपको पता आपकी भी फोटो लगती है, आपकी लगती है उस पर जो अनार नहीं होता आग लगाओ तो ऐसे करके फटता। कुछ लोग पटाखों से बड़ा डरते हैं, जैसे कोई बड़ा भाई आग लगाए ना तो मामियां चाचियां भाभियां जो रहती हैं, अरे ध्यान से है ना, तो आग लगाए ना ये दूर से खड़ी रहती करेंगी। तो एक भाभी होती ना थोड़ी मुंह लगी जो खुली होती है, अरे कुछ नहीं होता ये जाके ना बम तो होती, कुछ नहीं होता इससे क्या है, इससे इतना सा तो बम है, तो फिर आग लगाती ना ये आग भागती उससे भी तेज, जो डरी होती ना, जो डरी है वो यहाँ खड़ी है, ये भाग लगे फिर आएंगी। छोटी गलियों में और भी प्रॉब्लम होती है, एक चाचा इधर गए, इधर से बम फटा, इधर से बच के भागे, किसी ने इधर जला दिया, उसके बाद में बम फटता उनकी लुंगी में, फिर उनकी गाली जो होती है ना, गाली देते हैं वो, फिर वो उनकी आवाज की तीव्रता से पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। दिवाली के दिनों में लोग सफाई बड़ा करते हैं घरों की, मतलब सफाई वाला तो चलो आते ही आते हैं, ये डस्टिंग वाला प्रोसेस हमें पता नहीं था पहले कि डस्टिंग भी होती है, वो तो झाड़ू ही लगता था हमारे घरों में, तो ये यहाँ पे आगे पता चला है। तो ऐसे मौके पे जो घरों की सफाई करते हैं ना, तो सब सफाइयाँ होती हैं घर की, एक एक चीज़ निकाल के साफ करते हैं, ऐसे में जो बड़े बुजुर्ग जो बेचारे चले गए हैं उनकी फोटोग्राफ भी लगी रहती है यूं करके फ्रेम में लग रही है। तो अब नई बहू जो आई है उसका तो कोई इमोशन जुड़ा नहीं उसके साथ, क्योंकि दादू तो उनके आने से पहले चले गए थे, तो उसके लिए मनोहर लाल और मोनालिसा सेम ही है दोनों। तो मनोहर लाल तो वो फिर क्या करती है, नई नमेली बहू, वही फिनाइल वाला कपड़ा ना, वही दादाजी की पेंटिंग के मार देती है ऊपर, वही दादाजी की फोटो पे, तो दादा जो फोटो फ्रेम में ऐसे लगा रहता है ना, और जब फिनाइल वाला कपड़ा लगता है ना ऐसा हो जाता है, कहीं तो इतनी जोर से कपड़ा मारती दादाजी की ऐनक टेढ़ी हो जाती। अच्छा दिवाली के दिनों में छोटे छोटे शहरों में टेलर का काम बड़ा बढ़ जाता है, लोग नए नए कपड़े सिलाते ना, वो धड़ाधड़ कपड़ा लेते रहते, इतनी सिलाई करते हैं उनकी खुद की सिलाई उधड़ जाती कभी कभी। यहाँ तक पेंट बांध के बैठते हैं वो, तो बैठे बैठे यहाँ तक आ जाती उनकी, उसके बाद पीछे कपड़े रख लेते, वो ध्यान नहीं देते, आदत इतनी हो जाती टेलर को, उन दिनों में इतना कपड़ा सिलते ना, रात को सोते सोते भी ऐसे ऐसे करते रहते। अच्छा आज दिवाली है, तो आज दिवाली के मौके पे हमारे सब दर्शकों के लिए एक खास तोहफा है। जैसे अर्चना जी हम सब सुपरस्टार्स के फैन होते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आने वाले हैं उनके सुपरस्टार्स भी फैन हैं, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आशा जी जैसे लेजेंडरी सिंगर, वो सब इनके फैन हैं। तो इन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस से कांस और भी बड़े बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में धूम मचा के हमारे देश का नाम रोशन किया है, ये जहाँ भी जाते हैं बेशुमार प्यार और दुआएं देते हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के सबसे पहले ट्रांसजेंडर बैंड की, जिसे लेके आ रहे हैं सिक्स पैक बैंड के क्यूरेटर एंड को फाउंडर, सो प्लीज वेलकम म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स लाइक पेस्ट्री कॉर्पोरेट एंड ट्रैफिक सिग्नल, मिस्टर शमीर टंडन, और साथ में एक्सट्रीमली टैलेंटेड द सिक्स पैक बैंड। क्या ही बात है, मजा आ गया, एक अलग ही एनर्जी आ गई, जोरदार तालियां हो जाए सभी परफॉर्मेंस के लिए। आप सबका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। शमीर सर थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे खूबसूरत कलाकारों को यहाँ पे लेके आए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने सिक्स पैक बैंड बनाया है, और दूसरा हम जानना चाहेंगे सर ये बैंड बनाने का आइडिया कैसे आया,
और इसका नाम सिक्स पैक क्यों पड़ा? कपिल, ये एक बैंड ही नहीं है, ये एक मुहिम है जो हमने करीब 5 साल पहले शुरू की थी, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी ज़रूरतें, जिसके डिज़ायर्स, जिसकी बातें कोई सुनता नहीं था. दिस इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड कम्युनिटी इन आर कंट्री. जी. और बहुत ही दुखद थी, तो मेरे मित्र हैं उन्होंने और मैंने ये सोचा कि हम लोग एक ऐसा म्यूज़िकल बैंड करें जिसके माध्यम से, जैसे आप ह्यूमर के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं कभी कभार, तो हमने कहा कि हम संगीत के माध्यम से कुछ संदेशा लोगों तक पहुंचाएं कि हम सब भगवान की देन है, रबदे बंदे हैं. बिल्कुल. और हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. अगर हम जेंडर को लेकर भेदभाव ना करें राइट, तो द वर्ल्ड विल बी अ मच मोर ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन. बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है सर इसके पीछे जो आपने किया है, और बड़ा मजा है आपकी परफॉर्मेंस देख के भी. अच्छा, वैसे तो सिक्स पैक बैंड के नाम से आप सब लोग फेमस हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को आप सब अपना नाम बताएं. मैं चांदनी सिक्स पैक बैंड से. नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम, मेरा नाम कोमल, मैं सिक्स पैक बैंड मेंबर. यहाँ पे सभी प्रस्तुत लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना शेयर किया, जो थोड़ी सी नर्वसनेस थी वो निकल गई अंदर से. और मेरा नाम फिदा खान है. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मेरा नाम रवीना, सिक्स पैक. सिक्स पैक बैंड ने बहुत बड़ी बड़ी जगह पे परफॉर्म किया है, लाइक कांस फेस्टिवल में ये गए, उसके बाद और भी बड़ी बड़ी जगह पे. आज सबसे बड़ी जगह परफॉर्म करके कैसा लग रहा है? मैं क्या, हम लोग सबका प्रमोशन करते हैं, हमारा कोई करता नहीं, इसलिए मौका मिले तो मैं अपना ठोक देता हूं बीच में. इस बार पक्का मैं तुम्हारा प्रमोशन करने आई हूं. मैं सबसे ज्यादा यहां पे अगर शुक्रिया अदा किसी का करना चाहती हूं तो मम्मी जी का करना चाहती हूं. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वर्ल्ड कपिल. आपने कपिल ही नहीं दिया है, लोगों के घर में हंसी के फुहारे छोड़ दिए हैं. मम्मी जी मतलब जहां जाते हैं तो इनसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन या फिर कॉमेडियन फिलहाल तो हिंदुस्तान में कोई नहीं है, ऐसा मैं मानती हूं. और मैं इनकी हमेशा से फैन रही हूँ, इसलिए मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनके साथ उसी मंच पे खड़ी हूँ जिस मंच पे ये खड़े रहते हैं. लव यू, थैंक यू. ये प्रमोशन कैसा लगा? ये सुपर था. आपको पता है हमारा शो भी आपसे बड़ा इंस्पायर्ड है. हमारे शो में बड़े सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आपकी तरह साड़ी पहन के आते हैं. हाँ, हाँ, हाँ. मैंने देखा है अक्सर. अच्छा लगता है कि हमसे भी इंस्पायर्ड होके लोग कुछ करते. अच्छा, अब तो सिक्स पैक बैंड इतना पॉपुलर हो गया जी, जाहिर सी बात है लोग बड़ा वेलकम करते हैं आपको ये वो, लेकिन आपको लगता है कि सिक्स पैक बैंड बनने के बाद लोगों के बिहेवियर में फ़र्क आया है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगता है. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब समाज बदल रहा है. बिकॉज महात्मा गांधी जी ने कहा है ऐसा कि बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन दिस वर्ल्ड. तो तो जब तक हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं, चेंजेस नहीं लाते, वी कैन नॉट सी द वर्ल्ड चेंजिंग. सो यर द चेंज इज अ रिवोल्यूशन, एंड व्हाट सर डिड फॉर अस, व्हाट यशराज डिड, व्हाट आशीष पाटिल सर डिड, एवरीवन हैज अ कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइव्स टू ब्रिंग अस हियर टिल कांस, टिल द वर्ल्ड्स इंडियाज मोस्ट बिगेस्ट शो, द कपिल शर्मा शो. एंड आई एम सो ऑब्लाइज्ड, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ऑब्लाइज्ड रियली. आई वांट टू से दिस. And thank you so much for all your love. अच्छा, आप इतना प्यारा बोलती हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश, कितना पढ़ी हैं आप? मैंने वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ मैं, मगर जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, जो कम्युनिटी में मेरी नानी जी हैं, वो फिलहाल महाराष्ट्र बोर्ड की लोक अदालत पैनल जज मेंबर हैं. वो जज हैं. शी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर. सो आई कैन से दैट दिस इज इन माई जीन्स, दिस इज वॉट आई एम कैरिंग फ्रॉम जनरेशंस. जैसे कि कहा आप लोगों का प्यार है जो यहाँ तक आकर बोलने का मौका मिला, वरना कोई सुनता नहीं था ना जी. बात तो हमें बहुत अच्छी अच्छी आती करने के लिए, सुनना भी तो अच्छी है लोग. आप कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ जी जी जी, मुझे तो मैं ये कहना चाहूंगी, हम सब किन्नर है, ये गर्व है हमें, हमें कोई इसका पछतावा नहीं है. क्यों? तो हमारे लोग है जो वो अच्छे काम करते है. जैसे हम एक ये काम करते हैं कि जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होती है, वहाँ नाचते हैं, लोगों से खुशियाँ बांटते हैं, आशीर्वाद देते हैं. हमें ऊपर वाले ने इसलिए बनाया कि लोगों का ध्यान रखे, लोगों का आशीर्वाद दे. थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू.
अरे जैसे कांस में जाते हैं बहुत सारे लोग ना, वो अतरंगी तरंगी ड्रेसेस पहनते हैं, यहाँ पे कट लगा और ये हूँ करके। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप कांस में गए थे आपने ऐसी ऐसी ड्रेसेस पहनी थी कि साड़ी नहीं? मैंने मैंने रिस्क लिया था। मैंने बहुत ज्यादा छोटी सी ड्रेस पहन के मैंने सोचा कि लोग देखेंगे, मगर दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। फिर मैंने क्या किया, मैं सीधे गई, मैं बोली ऐसे तो ये लोग नहीं देख रहे क्योंकि इनको आदत हो गई है ऐसे कपड़ों में लोगों को देखने की। मैंने बहुत जल्दी से जाकर साड़ी चेंज कर साड़ी पहन के आई एंड दे वर अप्लॉडिंग एवरीवेयर। अच्छा, आप अलग अलग जगह पे जब परफॉर्म करते हैं जी, तो जैसे आपने बताया कि जिन घरों में खुशियां आती हैं आप वहां दुआएं देने जाते हो, बधाई देने जाते हो, तो बड़े सारे फनी किस्से होते होंगे आपके साथ तो? हाँ, लोग हमें पूछते हैं अरे आपको कैसे पता चला, अभी तक तो हुआ भी नहीं है। एक्चुअली पता ही है, आपके बारे में कहा जाता है कि इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि डॉक्टर को भी नहीं पता होता, लेकिन इनके एरिया में कौन प्रेग्नेंट है इनको पहले पता चल जाता है। ऐसा है कि ये आज से नहीं, ये रामयुग से चला आ रहा है। जब कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया था तो सुबह हम पहुंच गए किन्नर अपनी बधाई लेने के लिए, तो जब भगवान के घर हम दूसरे दिन पहुंच गए, जब रात को वो हुए सुबह हम उनके यहाँ चले गए। आप तो इंसान हो। जब हम हमें अगर पूछा जाता है तो हम यही बताते हैं, पेट में था आपका, बाहर आया हमारा। अच्छा, मैं नजदीक जाना चाहूंगी कपिल जी, जी। मैं थोड़ी सी मस्ती कर लूं? मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों का दिल टूटने वाला है हिंदुस्तान में पूरे, बट आई विल नॉट टेक द चांस ऑफ मिसिंग कपिल कपो। हाँ जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरा अरमान था, सबको सुनती थी, सब आके हीरोइन लोग दीपिका कभी अनुष्का सब कहते थे कपो कपो कपो, तो मैं भी सोची मैं जिस दिन मिलूंगी मैं भी आलमान सब कपो। तुमसे एक सवाल है मेरा। हाँ जी। शादी कर ली? जी। कर ली। हाँ जी। सारी दुनिया को बुलाया? हाँ जी। पंजाब में किया रिसेप्शन, हाँ। मुंबई में भी रिसेप्शन करवाया, हमें नहीं बुलाया। मगर एक बात है, हाँ जी, दीपिका शादी में आई। हाँ, हाँ, दीपिका का कुछ सुना है? दीपिका भी, दीपिका पादुकोण भी शादी में आई। आई आई, सारी मस्ती हो गई, सब हो गई। कपिल से जितना सोची थी दिल में उससे ज्यादा बात कर ली। बस अर्चना जी से कुछ पूछना चाहती थी। पूछिए। मैं बचपन से आपकी फैन हूँ सबसे पहले तो। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एवर। सेकेंड थिंग पूछना था, सिद्धू जी कहाँ है? So I'm here with a smiley. मतलब अर्चना जी सच में खुश है बहुत। तो आपने तो बुलाया नहीं शादी में। खैर, तो हमने सोचा हम तो बिन बुलाए मेहमान है वैसे भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे भी कपिल के लिए कुछ छोटी सी बधाई लेने के लेके आए। हमने और एक चीज सुनी है। अच्छा जी। कि आप बहुत ही जल्दी प्राउड फादर बनने वाले हैं। Congratulations. तो उस चीज को लेकर हम आपके लिए, आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। तो इसी के लिए हम लोग एक छोटी सी भेंट लाए हैं जी, जो हम आपके लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। इजाजत है? जी जी, प्लीज। सुपर सुपर, थैंक यू, बहुत ही ब्यूटीफुल। हम तो आज ही माहौल बना दिया, पता है? मुझे सच्ची में लग रहा है कि घर में अभी फंक्शन ही चल रहा है। मैं भूल गया था कि ये शूटिंग चल रही है, पर आप लोग इतने प्यारे हैं और इतनी प्यारी बातें की आप लोगों ने और इतना इंस्पायर किया सबको। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे तमाम कलाकारों के लिए, जहां भी जाते हैं प्यार बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, दुआएं देते हैं। जब कभी आपका मन कभी भारी हो या उदास हो तो सिक्स पैक बैंड की लाइन जो है वो हमेशा याद रखिए। खुश रहो, नाचो गाओ और बजाओ ताली। ताली। हम सिक्स पैक बैंड की तरफ से आप सभी हमारे व्यूवर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। बहुत मजा आप लोगों से मिलकर बात करके, एंड थैंक यू सो मच। और फिर कभी दोबारा कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि आप लोग दोबारा आओ, क्योंकि बड़ी सारी बातें, ऐसा लग रहा है कि अभी और बातें होनी चाहिए। होनी चाहिए, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट फुलफिल्ड येट।
अच्छा और एक वादा लेके जा रही हूँ जी, शादी में तो तुमने नहीं बुलाया जी, बेबी होगा तो मैं जरूर आऊंगी 100%, आप घर आइएगा प्लीज, और मेरी दुआओं से मेरे आशीर्वाद दूंगी, हमारे आशीर्वाद उसे लगे जरूर जरूर, वो खूब कामयाब हो आपकी तरह। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू शमीर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कपिल फॉर हैविंग अस, थैंक यू सो मच। अर्चना जी, मैं अपने मेहमानों को छोड़ के आता हूँ जी, दो मिनट में वापस आ रहा हूँ। जोरदार तालियां हमारे सारे मेहमानों के लिए, आइए सर। में बहुत सारी चीजें जो है जुगाड़ से चलती हैं, हमारे कुछ नेता तो वोट से कम जुगाड़ से ज्यादा मंत्री बनते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है पहले मंत्री बन जाते बाद में चुनाव लड़ते हैं, और कईयों का जुगाड़ तो इतना बड़ा होता है कि कुछ अच्छे भले मंत्री बन के बैठे होते हैं उनको गायब कर देते हैं। हमारा शो भी तो जुगाड़ से चल रहा है, हम लोग खूबसूरत लड़कियां अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर अपने लड़कों को जुगाड़ लड़ा के लड़कियां बना के गुजार रहे। कुछ लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना, वहां पे भी जुगाड़ लड़ाते हैं, अच्छा भला मूछों वाला बच्चा होगा, टीटी को बोल देंगे 5 साल का है जी ये, तो इसकी काहे की टिकट, और बच्चे तो होते मन के सच्चे वो पकड़वा देते हैं, अभी परसों ही तो 8 साल का हुआ, और फिर जेब जाते हैं, फिर जेब मिटाने के लिए हंसते हैं, देख लो जी बच्चे कब बड़े हो रहे थे पता नहीं चलता, अभी स्टेशन पे चढ़े थे 5 साल का था, 3 स्टेशन में 8 का हो गया, तो टीटी भी आगे से छाना निकलता है, बच्चे और महंगाई का पता नहीं चलता जी, बस देख लो जब भी आप स्टेशन पे चढ़े थे तो 2000 फाइन था बिना टिकट का, अब 3 स्टेशन बाद 10,000 हो गया, और तो और अगले स्टेशन पे जेल है, क्या चाहिए आपको। हमारे यहाँ के तो लोग इतने जुगाड़ू है ना, ट्रेन में जाएंगे ना तो वेस्टर्न टॉयलेट बनी रहती है, उस पर भी इंडियन स्टाइल में बैठ जाते हैं, पूरा बैलेंस बना, गिरते भी नहीं है, इनके बैलेंस का इम्तिहान तब होता है जब गाड़ी ब्रिज पे से निकलती है, फिर इनको टेंशन होती है हमने जो अपना खुद का ब्रिज बनाया हुआ ये ना टूट जाए, ट्रेन हावड़ा से निकल रही है ये अपना हावड़ा संभाल रहे होते हैं। कई लोग तो इतने जुगाड़ू होते हैं ना, बच्चे की पैंट का बेल्ट खो जाए ना तो बाप अपने पजामे का नाड़ा निकाल के बांध देता है बच्चे को, और खुद का पजामा ना अंडरवेयर में ठूस लेता है, और फिर पेट फुला के रहना पड़ता है ताकि वो अंडरवेयर छोड़ ना दे पजामा, प्रॉब्लम तब होती है जब इनको छींक आती है, फिर छींकते हैं सारा जुगाड़ दिख जाता है। ऐसे नहीं, मैं जुगाड़ की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जुगाड़ पे एक फिल्म बनी है जिसका नाम है मेड इन चाइना, और आज इसी फिल्म की स्टार कास्ट जो है हमारे बीच आने वाली है, तो प्लीज वेलकम मिस्टर राजकुमार राव एंड मौनी रॉय। वाह वाह वाह, हर खुशी के मौके पे याद रखें राजकुमार राव एंड मौनी रॉय। राजकुमार मौनी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल सर। अच्छा राजकुमार का सही है पता है, सीधे वीवीआईपी लोगों से मिलते हैं। अच्छा हाँ, सीधा प्रधानमंत्री जी से मिलके आएंगे, उसके बाद सीधा कपिल शर्मा से। पर राजकुमार जब भी फिल्में करते हैं बिल्कुल हटके फिल्में करते हैं, पूरे देश में मेक इन इंडिया की मुहिम चल रही है और ये मेड इन चाइना बना के बैठ गए। सर सबसे पहले तो बताइए कि मेड इन चाइना क्या है। सर मेड इन चाइना जो है वो एक्चुअली इंडिया का ही जुगाड़ है, अभी हम सुने थे पीछे आपने कितने जुगाड़ की बात की, तो हम सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं हम सब जुगाड़ करते हैं डेली, रोजना रोज लाइफ में कुछ जुगाड़ करते हैं कि बस में सीट कैसे ले लें, लेडी सीट लिखा हुआ है, स्त्रियां साठी फिर भी थोड़ा सा बैठ गए, जब तक कोई स्त्री नहीं आ रही तो बैठ सकते हैं, और स्त्री आ भी जाए फिर ऐसे करके बैठ जाते हैं। हाँ तो हमारी फिल्म जो है ये कहानी है एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली की, अहमदाबाद के रघु और रुकमणी हस्बैंड वाइफ हम दोनों प्ले कर रहे हैं। ओके और उसका सपना है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। ओके एंटरप्रेन्योर बने। उसने सब कर लिया जिंदगी में, उसने ईमू के अंडे बेच लिए 5-star होटल के अंडे, ईमू ईमू वो बड़ा सा ऐसा होता है जो बर्ड, अच्छा वो हाँ लंबी गर्दन वाला, लंबी गर्दन वाला वो बहुत मारता है उसके पैर वैर। अच्छा ईमू के अंडे बेच लिए, रोटी मेकर बेच लिया, उसने स्क्वायर शेप के तरबूज बना के बेच लिए। अच्छा कुछ नहीं चला उसका लाइफ में, तो किस तरह चाइना पहुंच जाता है और वहां से उसको एक बहुत कमाल की सीक्रेट रेसिपी मिलती है जो लेके वो वापस आता है, जो हमारे मर्दों के बहुत काम की है। बहुत लोगों को जरूरत है, बहुत लोग बात नहीं करते इस बारे में, राइट, लेकिन अंदर अंदर सब चाहते हैं यार ये हमें भी बाहुबली बनना है यार। तो बस उसके अंदर के शेर को जगाने के लिए फिर हम ये बिजनेस शुरू करते हैं। वाह मौनी, मेड इन चाइना जी, और आप हैं मेड इन हेवन। थैंक यू कपिल, इसलिए मुझे यहाँ ना इतना
अच्छा लगता है। तो मेड इन चाइना में आप क्या कर रही हैं? मैं रुक्मिणी का किरदार निभा रही हूँ। वो रघु की धर्म पत्नी है, इंडिपेंडेंट है, और किस तरह से वो रघु की जर्नी में उसको सपोर्ट करती है, एंड देर आर अ फ्यू मोर थिंग्स, सो जब लोग देखेंगे जाकर फिल्म तो उनको पता चलेगा। मौनी, आपका इंस्टाग्राम देखा, आपने लिखा हुआ आप फूडी हैं। जी, मतलब आपके उधर सूंघने को भी फूडी बोलते हैं? नहीं, मैं सच में बहुत खाती हूँ। क्या खाती हैं? तो फिर सबको चावल, मैं बंगाली हूँ, मुझे चावल खाना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे हर मील के बाद थोड़ा सा मीठा खाना बहुत पसंद है। तो इतना तीखा मुंह कैसे रहता है आपका? योगा से होगा। योगा से होगा? नहीं, मेरे अपनी नान के फैमिली में सपोज मेरी मामी नानी सब मिला के चार लेडीज हैं, तो उनकी 8 ठुड्डियां हैं, मतलब डबल चिन सबकी है। तो वो ये पूछ रही थी कि मौनी जब आए तो उनसे पूछना, तो योगा से होगा? जी, कहने का मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करती हैं, मेहनत से ही होगा। मौनी, खाने की बात चली, आपको पता प्याज बड़े महंगे हो गए? जी। आप तो नहीं खाती होंगी, मुझे पता है, इतनी खूबसूरत लड़की प्याज खा के कभी नहीं आती। नहीं नहीं, अब आप भी अभी खा कर नहीं आई हो तो, पर मुझे प्याज बहुत ज्यादा पसंद है। प्याज अच्छे लगते हैं। मुझे अर्चना जी ने बताया, कह रही थी आजकल ना खाने के साथ जो फ्री में प्याज मिलता है ना, वो नहीं मिलते। मतलब मिलते हैं उसके लिए 15 मिनट बहस करनी पड़ती है और वेटर का हाथ मरोड़ना पड़ता है। तो यार, और जब बिल देने की बारी आती है ना, इतने सारे प्याज खा के कैशियर के मुंह के पास जाके पूछती है कितने पैसे हुए भैया, वो कहता है कोई, आप जाओ रहने दो। और कैशियर जब इधर मुंह करता है, सौंफ भर के उठा लेती है। वो इतनी भारी मुट्ठी है ना इनकी, सौंफ वाली कटोरी होती है ना, उसको मरोड़ देती है पूरा। तो मैं खाली आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था। देखो, तो ये मजेदार बातें चलती रहेंगी। आइए मौनी, आइए राजकुमार, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा राजकुमार, जो भी फिल्म करते हैं, फिल्म तो हिट होती है, इनकी तारीफ बड़ी होती है, चाहे न्यूटन हो, चाहे स्त्री हो, जजमेंटल हो क्या, या अभी मेड इन चाइना का ट्रेलर देखने के बाद लोग जो तारीफ कर रहे हैं। तो राजकुमार, आप जब फिल्म सिलेक्ट करते हो, एक तोते से पर्ची निकलवाते हो, ज्योतिषी से पूछते हो, क्या करते हो आप? नहीं, मैं तोते से पर्ची निकलवाता हूँ। चाइना में चाहे पानी मांगना हो, चाहे वॉशरूम जाना हो, तो लैंग्वेज सेम ही रहती है। आपको प्रॉब्लम नहीं आती थी चाइना में? नहीं। समझ आती चाइनीज आपको? नहीं। तो फिर मैनेज कैसे करती हैं? कोई ना कोई होता था हेल्प करने के लिए, कोई ट्रांसलेट कर दे, कुछ कर दे, जिसको बोथ लैंग्वेजेस आते हो, इंग्लिश और चाइनीज दोनों। बस बड़े सारे इंडियन, मुझे बस निहाओ पता है, निहाओ और जीजी। निहाओ, उसका मतलब क्या होता है? निहाओ का, निहाओ इज हेलो, जीजी इज थैंक यू। जीजी फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो राजकुमार, आपने चाइना में काफी शूटिंग की है। जी जी जी। तो चाइना में तो चीजें बड़ी सस्ती मिलती वैसे ही, पर अपना इंडियन लोगों को रहता है बार्गेनिंग करने का। हाँ, बार्गेनिंग की आपने उधर जाके? मैंने हाँ बार्गेनिंग की। तो फिर मैंने पूछा ये हाउ मच, तो उन्होंने कुछ बोला ऐसा कि त्वासा, तो मैंने त्वासा नहीं दासा। चाइनीज लैंग्वेज बहुत टफ है एक्चुअली। हाँ, मुझे चाइनीज में सिर्फ निहाओ, जीजी, जैकी चैन और ब्रूस ली, ये चार वर्ड ही आते हैं। वो उसमें से भी दो एक्टर हैं। हाँ, वही चार वर्ड ही आते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फिल्म जो है दिवाली पर रिलीज हुई है, अरे लोग दिवाली पर पटाखे लेके आते हैं, ये सूप लेके आए हैं। इनको लगा होगा ना शायद कि पटाखों से पोल्यूशन फैलता है, पर आपको ये नहीं लगा ये जो आप सूप लेके आ रहे हैं, इस जनसंख्या का जो विस्फोट होगा, एक तो बिना सूप के हम लोग 150 करोड़ हैं। तो मेरे सूप ना पिलाने से कौन सा यहाँ पे रोक लग गई है? हाँ एक्चुअली अभी भी जब तक ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा 60-70 हजार बच्चे और पैदा हो जाएंगे। एक घंटे में तो हाँ निकल जाएंगे 60-70 हजार। मुझे आपको पता है अपनी पॉपुलेशन कितनी इंडिया की? 1.3 बिलियन। कान में क्या बोल रही थी कि कपिल हैंडसम लग रहा है? इट्स इन बिलियंस। नहीं लग रहा हूं? हमेशा ही हैंडसम लगते हो आप तो। थैंक्स बेब्स, बस यही बुलवाना चाहता हूं। बट डोंट हिट एट मी, आई एम मैरिड नाउ। ओके, सो राजकुमार और मौनी से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अब वक्त है फिल्म मेड इन चाइना से एक और जबरदस्त कलाकार को यहां बुलाने का। ये जो भी किरदार निभाते हैं यादगार बना देते हैं उसको। तो आप सबकी तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वर्सेटाइल एक्टर, हम सबके फेवरेट मिस्टर बमन ईरानी साहब को। आइए बमन सर। सर, जहां आपका दिल करे। ऐसे रास्ते में मैं पढ़ता था, मुझे छोड़ के आप उधर गए मिलने। हमने पिक्चर की है एक साथ, लव स्टोरी 2050। ऑस्ट्रेलिया गए थे साथ में। और सबसे ज्यादा मजा मुझे उस सीन करने में आया था जो तुम्हारे साथ। सो नाइस, सो नाइस। हमें भी बताओ। मजा आया, हमने सीन किया, हमको पैसे मिले उसके, हमने घूमा ऑस्ट्रेलिया पूरा घूमा और वापस आ गए, बस बात खत्म। पैसे तो ये पहले ले लेती हैं डायरेक्टर से। ऑस्ट्रेलिया में भी टैक्सी का भाड़ा ले लेती है। कन्वेंस, अरे
हम गाड़ी सप्लाई किया नहीं, कन्वेंस. सर अपने किरदार के बारे में बताइए, आप जो भी करते हैं ना सर, मजा आ जाता है सर. आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू. थैंक यू सर. मैं इस पिक्चर में डॉक्टर हूं और ऐसा डॉक्टर हूं जो मियाँ को भी और बीवी को भी दोनों को मैं एडवाइस देता हूं. अच्छा जी. और मियाँ बीवी प्रॉब्लम्स या तो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं या फिजिकल भी हो सकते हैं. राइट. लेकिन हम इतना, मेरे जैसे डॉक्टर के पास इंडिया में जाते नहीं है, डरते हैं जी, शर्म आती है. मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, अगर किसी को दिल का दौरा, हार्ट प्रॉब्लम हो, तो आप किसके पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास. राइट. है ना. अगर आपको डायबिटीज है तो आप डायबिटियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. अगर आपको रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम्स हो तो मेरे जैसे डॉक्टर के पास आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए. राइट. अपनी सोसाइटी में ना सिस्टम ऐसा है कि लोग खुल के बात नहीं करते. अच्छा, उसको और तरीके से ले लेते हैं. जैसे हमारे देश में कभी कभी बच्चे माँ बाप से सवाल पूछ लेना कि मम्मी मैं कैसे आया, मामा बोलते थे परी दे के गई थी. पर अभी क्या है, इंटरनेट के माध्यम से बच्चे इतने शाणे हो गए ना, वो खुद माँ बाप को बोल देते हैं मम्मी परी वरी के भरोसे मत रहो, मेरे को छोटा भाई चाहिए या बहन चाहिए. तो अमन पापा बनने वाला है अभी. सर थैंक यू. थैंक यू सर. मैं क्या सोच रहे आप, बहुत सोच में चले गए. सोचिए मत, बच्चा आ रहा है. आपको कुछ एडवाइस चाहिए? नहीं सर. नहीं 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 नहीं. नो सर, हमने खबरों में पढ़ा था कि आपको बीच में स्लिप डिस्क हो गया था जी, लेकिन उसके बावजूद भी आप फिल्म की शूट कर रहे थे जी. तो सर आपको स्क्रिप्ट ही इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि मैडम ने मना कर दिया था घर में नहीं बैठना. नहीं, मुझे खुद घर में बैठना अच्छा नहीं लगता. वेरी गुड सर. और दूसरी बात यह है कि जब आपने कमिट कर लिया तो कोई भी हालात में जाके फिल्म कंप्लीट करना चाहिए. थोड़ी तकलीफ होती है, एंजॉय कर लेना चाहिए. लव यू सर. अच्छा, मेड इन चाइना का टैगलाइन है इंडिया का जुगाड़. जैसे मैंने पहले बात की कि हम लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करते हैं. सर मैं ये सवाल मेरा तीनों से है, आप अपने लाइफ में कभी कुछ जुगाड़ किया सर? हाँ, छोटे छोटे जुगाड़ हम सभी करते हैं आई थिंक डेली लाइफ में. रिमोट जब आपका टीवी का काम नहीं करता है तो उसको पलट के तीन चार लगाओ उसके पिछवाड़े पे. तीन चार अच्छे से लगाओ उसके, फटाफट काम करता है. देख लो, फटाफट काम करता है वो. मोनी कभी आपने किया कोई जुगाड़? हाँ बहुत सारा. मैं छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्सेस की डिब्बियां ले लेती थी मम्मी के और उसमें इलायची, वो तो मैं आज तक रखती हूँ. अच्छा. वो एक आदत है. गलती से आपने, हम लोग बहुत सोचते कि हम घर में एक्सरसाइज करेंगे तो कभी कभी लोग ट्रेडमिल भी खरीद लेते हैं. हाँ. तो उसपे कपड़े झूलते सूखते हैं और प्रेस होता है. सो या जैसे अपने इंडिया में बड़े लोग करते हैं ना, टूथब्रश करते हैं, तो टूथब्रश नया लेके आओ ना तो बिल्कुल ऐसे होता कड़क हो आर्मी की तरह. धीरे धीरे करता 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 ना टूथब्रश ऐसे खुल जाता है, उसके बाद उससे डाई करने लगते हैं. फिर वो जब उसके वो वाले दांत भी निकल जाते ना, टूथब्रश पॉपुलर हो जाता है जब. फिर उसमें नाड़ा बांध के सलवार में डालने लगते हैं. उसके बाद भी पता नहीं कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं. अपना जुगाड़. यहाँ जितने भी मेहमान बैठे हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने लाइफ में कभी कोई जुगाड़ किया है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने मजेदार किस्से. जी मैडम. हेलो सर. हेलो. केम चो बदा मजा माचो. मजा माचो ये बता. एक बार ऐसा हुआ कि 10 दिन की ट्रिप के लिए मैं और मेरे हस्बैंड बाहर घूमने गए. अच्छा. तो कच्चे मैंने पूरे लिए थे 4-5, लेकिन ठंडी का सीजन था तो कच्चे सूख के नहीं थे. अभी एक ही बच्चा था और उसमें मैंने देखा तो छेद निकला. अभी मैं डर गई, मैं क्या करूं, क्योंकि अभी उनको मालूम पड़ा तो वो तो मुझे डांट के पूरी ट्रिप का सत्यानाश ही कर डालते. तो डर क्यों गई, वो कौन सा आपके अलावा किसी और ने देखना है? लेकिन अंदर भी उनको वो नहीं चला. ओ मतलब. उसके बाद मैंने ये जुगाड़ लगाया कि उनको पता ना चले, इसके लिए मैं लाल कलर का जो धागा लेके गई थी. हाँ जी. उससे मैंने हार्ट शेप बना दिया, जो छेद था वहां पे. हार्ट शेप. वे मैंने एक फिल्म की थी ना, किस किस को प्यार करूं. हाँ. उसमें होता है मेरी बीवी कच्चे पे ना नाम स्टार बना देती है. हाँ. तो वो एक ही बिल्डिंग में तीन बीवियां रखता है ना, एक ऊपर फ्लोर पे एक नीचे. तेरी फितरत. ऊपर वाले फ्लैट से कच्चा उड़ के नीचे आ जाता है. हाँ. तो बोलता है मेरा क्या ऐसे कच्चे बड़ी दुनिया पहनती है. हाँ. बोलती है लेकिन ये मैंने आर बनाया था. पर ये कलाकारी कमाल की है मैडम, वैसे ये क्रिएटिविटी लेडीज सोच सकती है. थैंक यू. और आज तक उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि ऐसा हुआ था. आपके हस्बैंड आए साथ में? जी. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? क्या बात है, ये कड़ी चावल रंग का जो कुर्ता पहना आपने,
बड़ा मतलब खिले खिले से रंग ना. थैंक यू सर. सर आपको उस चीज से क्या सीख मिली कि अपनी पैकिंग खुद करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए. हाँ. लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा रोमांटिक होगी वो चीज मुझे मिली, कुछ डिफरेंट लगा. अच्छा लगा आपको? हाँ. वाह चलिए बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलके. धन्यवाद. और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम. हेलो कपिल. हेलो. हाय मैम. हेलो एवरीवन. हेलो. मेरा नाम प्रिया है, मैं थाने से आई हूँ. जी प्रिया. मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया था कि हम लोग कॉलेज टाइम पे मैं और मेरी दो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही घूमने निकले. अच्छा. तो लोकल में ट्रैवल कर रहे थे, टिकट्स नहीं ली थी हमने. अच्छा. और अनफॉर्चुनेटली स्टेशन पे हम लोग को टीसी ने पकड़ लिया, अपनी मेन ऑफिस में ले गए. अच्छा. अब और वो बहुत खड़ूस था, उसने बोला आपके पापा को फोन करो, मम्मी को फोन करो. तभी एक यंग टीसी ने एंट्री मारी, हमने बोला हो गया जुगाड़. उसके पास गए और फ्लर्ट चालू कर दिया कि आप तो जेंटलमैन दिखते हो, आप तो बहुत हैंडसम हो, इस बार हम लोग को छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम से कभी कुछ नहीं करेंगे. फिर फाइनली हाँ फ्री में छोड़ दिया. नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे उनने कि आपका नंबर दे दो, आगे से ऐसा कुछ करना मत, ऐसे नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे. अच्छा. बाद में कॉल भी आया बट जुगाड़ खत्म हो गया था. तू कौन मैं कौन. अच्छा ये तो चलो आपने जुगाड़ लगा लिया कि चलो टीसी के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर लिया. आदमी लोग पकड़े जाएं उसके लिए आपके पास कोई आइडिया है? फाइन देके ही छूट सकते हैं. हम लोग ऐसे करें कि ओह टीसी साहब तो नहीं नहीं हो. अगर लेडी टीसी हो तो शायद कुछ हो सकता है. आप रहोगे तो पक्का हो जाएगा. पर बिना टिकट सफर ना करें आप. हाँ टिकट लेके ही चढ़े. हाँ प्रिया धन्यवाद शो में आने के लिए. थैंक यू सो मच एंड आई एम योर ग्रेटेस्ट फैन. आई वांट कि ये शो चलता ही रहे बच्चे के बच्चे भी आपके शो देखे और आप लाठी लेके भी ये शो आए करने. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश कर. जी भाई साहब. हेलो एवरीबॉडी. हेलो सर. हेलो. फ्रेंच कनेक्शन. हां जी. दाढ़ी भी फ्रेंच. हां जी हां जी. फ्रेंच कनेक्शन क्या है? फ्रेंच करूंगा. नहीं वो फ्रेंच नहीं है. अच्छा, इन्होंने कहा था जी आप उनकी तरफ देख रहे हो. नहीं नहीं वो मुझे देख रहे हैं. जिन्होंने कहा है ऑल बॉडी. ऑल वन. ऑल बॉडी सर. ओके ओके. हाँ जी बात कच्चे की है जी. फिर पंजाबी में ही. अच्छा जी. मेरे साथ वालों के पास एक एसी लगा हुआ है. हमारे कपड़े कई बार नहीं सूखते थे. हाँ जी. तो हम एसी की बैक साइड में जैसे गर्म हवा में लगा देते थे तो कच्चे सूख जाते. ऐसी तकलीफ हुई कि पता नहीं एसी में किया हुआ हमारे कच्चे सारे जल गए. और हमने कसम खाई कि आगे से जगाड़ नहीं लगाना है. कपिल सर, ये मुझे समझ में नहीं आया. हमारे देश में इतनी गर्मी है इतनी गर्मी है लेकिन ये पूरे ऑडियंस के कच्चे सूखते ही नहीं, ये प्रॉब्लम क्या है? अंदर की बात. अंदर की बात. धन्यवाद सर. शुक्रिया. राजकुमार जी. राव राव. निहाओ निहाओ. मौनी जी. रोय रोय. बमन जी. रानी रानी. अर्चना जी. सिद्धू सिद्धू. सपना ये क्या कर रही हो तुम? तू तो चुप चुप चुप. तू चुप हो जा. मैं आई लिए ना. अरे बाप अपने फेवरेट लोग आए ले, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए. तूने ये अपना क्या हाल बना के रखा है? अच्छा ये मेड इन चाइना पिक्चर बना सकते हैं, मैं मेड इन चाइना ब्यूटी पार्लर नहीं बना सकती क्या? अच्छा तो चाइनीज ब्यूटी पार्लर खोलने से क्या होगा? क्या होगा? तेरे ये फुकरे दोस्त लोग, इन लोगों ने जब बाहर बोर्ड देखा ना चाइनीज ब्यूटी पार्लर, सब आके इधर ब्यूटी फूकने लगे. चले गए अंदर मसाज करवाने ये सब लोग. और ये तूने जो किया ये मोटे का क्या नाम है? ये पांडे नहीं चाइनीज पांडा है. कप्पू ये आके मेरे को बोलता है मेरे को नूडल मसाज दे. मैंने बोला साणे ज्यादा बकवास की ना तेरा हक्का निकाल दूंगी यहाँ पे मैं. हम लोग एक बात बता, हमारा शो नंबर वन है ना, इसकी कोई भी बैंड नहीं बजा सकता.
लेकिन ये पहले लोग हैं जो ऑफिशियली बैंड बजा रहे हैं इस शो के। आप लोगों ने मेड इन चाइना बनाया, इसने मेड इन पंजाब बनाया है इधर। अर्चना जी, मेरे को तो लगता है 60% पंजाब है ना, ये कप्पू करेंसी पे चल रहा है, मैं बता रही हूँ। सपना देख, तेरे सामने इतने अच्छे मेहमान बैठे, उनके बारे में बात कर कोई। तेरे को मालूम है ना वो लोग अच्छे हैं, तो ऐसे लोग को क्यों लाते हैं तू शो के ऊपर? मस्त काम करिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। एक देना, ये खारिश हो रही है क्या? कुछ नहीं, एक लिया है खाली, ऐसे खुजली हो रही। तेरी खुजली तो मैं मिटाएगी, तो रुक जा। थैंक यू सपना जी। मेरे को ना बहुत कुछ नहीं, तू बात कर रहा? हाँ, मैं क्या बोलती सर, मेरे को ना लाइफ में दो ही चीजें पसंद है। क्या? खाने में वड़ा पाव और फिल्मों में राजकुमार राव। नहीं, इंटरवल। मजे नहीं है ना, बकवास लगाना सर आपको। ऐसा मुझे अर्चना जी ने बोला था, ऐसा बोल देना इस पंच पे, मैं बहुत हंसेगी। हंसो अभी, क्रिएटिवली से इंटरफियर, यू नो, लॉट ऑफ इंटरफियरेंस। हाँ अच्छा राजकुमार, मेरे को ना एक चीज अच्छा नहीं लगता है। क्या? ये जितना हीरोइनी लोग हैं आपके साथ काम करती है, वो बहुत धोखा देती है आपको। मतलब ये? हाँ, अभी देखो ना, वो क्वीन पिक्चर में कंगना रनौत अकेले हनीमून मनाने को चली गई। स्त्री पिक्चर में जिससे प्यार किया एंड में चुड़ैल निकली। अभी खूबसूरत नागिन के साथ काम कर रहे ले। औरतों के ऊपर से तो विश्वास ही उठ गया है इनका। अभी कोई भी औरत आके इनको हेलो आई करती है ना, उसको बोलते हैं ओ स्त्री कलाना, ऐसा बोलते हैं। तो मेरे को ना आपसे एक काम था, ये मेरे को बताएंगे आप, ये ज्वेलरी खरीदने का था मेरे को, तो चांदी का क्या भाव चल रहा है मार्केट में? उनको क्या पता चांदी का? अरे इन्होंने गोल्ड की, इनको चांदी का भाव तो पता ही रहेगा ना। वो भी रॉ चांदी का। मजे नहीं आया, बकवास। बे वंडरफुल जो अर्चना जी, अगली बार से क्रिएटिव पे आपको नहीं बिठाएंगे हम लोग। ऐसे ऐसे पंच देते हैं ना। अच्छा बमन सर, आप पारसी है जी, सरनेम आपका ईरानी है, आप इंडिया में रहते हैं, पिक्चर की मेड इन चाइना, तो 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। आपको क्रिएटिव में नहीं बिठाएंगे हम, 1 करोड़ मांग रहे, नो मोर। सर वन मोर थिंग आई वांट टू नो। यस प्लीज। ये जो चाइनीज करेंसी रहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू नो, टेल मी, बहुत बोलिए ना, व्हाट डू यू वांट टू नो? आई वांट टू नो व्हाई ये जो चाइनीज करेंसी रहता है, तो हमारे इधर का जो 1000-2000 का नोट रहता है, वो सेम रहते है क्या? वो नहीं हो गया तेरा? नहीं नहीं, मेरे को मेन, मेरे को ऐसा दिखाना मत, मेरा आंख में जाएगा ना। मैं मेन बात पूछ ले क्या? मेन बात पूछ लो सर। इस पिक्चर में आप लोग ऐसा मस्त सूप बनाए ले, मेरे को पता चला टाइगर सूप। Right. तो मेरा छावा है मुकेश नाला सुपर में, तो उसके लिए थोड़ा सिरप दो ना, सूप विप मिलेगा क्या उसके लिए? इसके लिए सिरप। मुकेश को क्या प्रॉब्लम है? मुकेश को बहुत प्रॉब्लम हो गई है, वो सारा दिन ना बाथरूम में रहता है, उसको ना सर सुस्त लग गया है। सुस्त? अरे दस्त होता है? नहीं नहीं, दस्त तो दो नंबर रहता है, पहला नंबर जो रहता है सुसु कर करके सुस्त बोलते है। सारा दिन सुसु करते रहते है सर, बहुत कमजोर हो गया है सर, वो उसका बहुत प्रॉब्लम है सर, अभी तो इतना कमजोर हो गया है। तू बजाना नहीं है बीच में, पू पू तेरा चालू हो जाते सर। वो इतना सुस्त हो गया है कि अभी छींक भी मारते ना तो उसकी पतलूम गीली हो जाती है सर। सूप मिलेगा? एक्चुअली आई थिंक आपको सूप की नहीं, आपको स्टेपलर की जरूरत है। सुना, जगह ही बंद कर देना चाहते हो, ये तो गलत बात है। अच्छा सर, अगर आप मेरे को सूप देंगे ना, तो मेरे पास आपके लिए अलग अलग टाइप का मसाज है सर। आई रन मोनी, आई रन ब्यूटी पार्लर। वेरी नाइस। तो आपके लिए सर मैं मसाज देगी, ओंग पोंग चिंग मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें ओंग आता है, कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाता है, फिर ओंग को ऐसा पोंग करता है कि उसका चिंग निकल जाता है। आपने जोड़ लिखा। आपके लिए
दूसरा मसाज है चिंग पोंग ऑंग मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें चिंग आता होगा, उसका पोंग दबा के ऑंग निकलता होगा, ऐसे। तेरे को कुछ हो गया है क्या? तो ये क्या है चिंग पोंग 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 मसाज? नहीं, तेरे को कुछ हो गया? कैसी बात कर रहे? तेरे को प्रॉब्लम बता, हम तेरे घर के लोग सुनेंगे तेरी बात। एक्चुअली गलत मसाज बताए, मसाज ऐसी चिंग पोंग ऑंग चा मो ची, ऐसा मसाज। इसमें होता क्या ये तो बताया मसाज? चमैला चा पोंग चा मामा मामा। मतलब क्या इसका, क्या बोल रही? इसका मतलब जाना चाइना जाना, मेरे से गाय को पूछ रहे। चाइनीज का प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए प्रॉपर मसाज देगी, रागिनी एमएमएस मसाज। इसमें क्या रहता है, हम लोग कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, तेल लगाते हैं, फिर रागिनी आती है, फिर और फिर कस्टमर को मसाज करके भेज देते है। तेरे को क्या लगा हम एमएमएस बनाते हैं क्या? हमारा शो अच्छा चल रहा है इसका मतलब हम गंदा काम चालू कर दे? नहीं, कभी भी नहीं। आपके लिए एक और मसाज स्पेशल, नागिन मसाज। इसमें क्या है? इससे मैं कस्टमर कपड़ा उतारते हैं हम लोग, हाँ। उसको तेल लगाते हैं, फिर मसाज करते हैं, तेल लगाते हैं, फिर मसाज करते हैं, फिर उसके ऊपर एक नागिन छोड़ देते हैं। और फिर उसके मसाज कंप्लीट हो जाती है और वो घर चला जाता है। तो नागिन का क्या हुआ? नागिन, नागिन क्या किया उसने, टीवी छोड़ के वो फिल्मों में आ गई, स्टार बन गई। मेरा ना प्रॉब्लम, एक कस्टमर है ना, उसको मैदा लगा के मैं स्टीम करने के लिए रखे ले। क्यों? उसको मोमोज मसाज चाहिए था ना, तो रखे ले उसको। मैं चलती है, बाय। सर कुछ अफवाहें हैं, राजकुमार आप जानते हैं मौनी, स्टार्स के बारे में बड़ी सारी अफवाहें फैलती हैं, हम नहीं यकीन करते सर, हम तो सामने से पूछते हैं कि सही है कि नहीं सही है। एक अफवाह है कि नागिन सीरियल में सीजन ब्रेक इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको जहर भरवाने जाना होता है। जिन दो सीजनों में मैं थी मुझमें बहुत ज्यादा जहर था, मुझे जहर भरवाने की कोई जरूरत नहीं है। जहर तो है क्या, प्यार है तेरा चुम्मन। तो ये बिल्कुल अफवाह है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ममन सर आपके बारे में पाया कि आपको बचपन में सुपर हीरोज बड़े पसंद थे, इसलिए आपने बैटमैन और सुपरमैन को मिला के अपना नाम रख लिया बमन। आपने लिखा ये जोक, बहुत अच्छा जोक, आई लाइक। वैसे बमन सर, बमन का मतलब क्या होता है, हमने कभी नहीं आपसे पूछा। बहुमन, बमन, बहुमन, ग्रेट माइंड। ये तो है सर आपका। राजकुमार आपके बारे में ये फाय है कि बचपन में आपको भूतों से बड़ा डर लगता था, इसलिए रात को सुसु लग जाए तो आप पूरी फैमिली को साथ लेके जाते थे। नहीं, पूरी फैमिली को नहीं, हाँ, पर मुझे बहुत डर लगता था बचपन में। अच्छा। तो मैं मदर को लेके जाता था। अच्छा। क्योंकि हमारा एक जॉइंट फैमिली में बहुत बड़ा घर था, तो टॉयलेट एकदम कॉर्नर पे था। अच्छा। दूर बाहर आंगन के बाहर, तो हाँ मैं मदर को लेके जाता था और मैं उनसे बोलता था मुझसे आप बात करते रहो, ऐसा ना हो कि ना आप चले गए या सो गए तो मुझे लगे कि हाँ आप हो बाहर। बचपन में सबको लगता है, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। बमन सर, शाहरुख सर आपको सेक्स बॉम्ब के नाम से बुलाते हैं। Really? ये सच है? हकीकत? क्यों सर? मजाक है, he doesn't mean it. अच्छा वैसे ही? हाँ, it's a rumor, rumor. Okay, राजकुमार आपके बारे में ये फाया कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर लड़की बन के गए और आप इतनी खूबसूरत बन गए कि उसके भाई को आप बड़े पसंद आ गए और वो आपके पीछे पड़ गया। एक आसिफ अफवाहें हैं, अब इसका खुलासा करें आप। ये बिल्कुल गलत बात है, ये अफवाह है, ऐसा बिल्कुल कभी बिल्कुल अफवाह है। ओके बमन सर आपके बारे में अफवाह है, आपको रोना इतना पसंद है कि जब आपकी शादी हुई और आपकी वाइफ की विदाई हुई उनके साथ साथ आप ही रो दिए। शादी के पहले रोया था, उसने कोई शादी के पहले एक दिन रोया था, लेकिन क्या होता ना जब उम्र बढ़ती है ना तो ऑटोमेटिकली यू क्राई लिटिल मोर, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो मैं कॉमेडी फिल्म भी देखता हूँ थोड़ी रोना आ जाता है। हाँ अभी मैं दादा बन गया हूँ। अरे मुबारक हो सर, दादा बन गया।
खुशी के आंसू, मतलब एक पोता है एक पोती है और देखता हूँ खुश हो जाता हूँ, अभी भी रोऊंगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। God bless sir. आपके बारे में एक और अफवाह है राजकुमार कि लोग कभी कभी आपको साउथ इंडियन समझ लेते हैं, इसलिए जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो पेंट की जगह आपको लुंगी दिखा देते हैं। नहीं हाँ, बिकॉज ऑफ सरनेम आई थिंक उनको लगता है कि मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा, मैं गुड़गांव में पला बढ़ा हूँ, वहीं से हूँ मैं, लेकिन लुंगी को नहीं दिखाते। अच्छा, लुंगी नहीं दिखाते। ओके सर, एक लास्ट अफवाह आपके बारे में है कि आपने फोटोग्राफी जो है वो इसलिए शुरू की क्योंकि आपको बिकनी मॉडल्स को शूट करना था। मैंने शुरुआत की एक्चुअली फोटोग्राफी, मैंने स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, स्पोर्टिंग इवेंट शूट करता था। अच्छा जी। और फिर आई स्टार्टेड डूइंग एडवर्टाइजिंग, लेकिन आई वाज डिसेंट फोटोग्राफर, आई वाज प्रीटी ओके। मम्मी सर, एक और बात ऐसे सुनी है हमने कि आपके बच्चों ने आपका नाम जो है मोबाइल पे सेव किया हुआ, वेयर आर यू। सही है बात सर? यस। ऐसे क्यों? इसलिए कि बच्चे जितने भी बड़े हो जाए जी, 30 35 50 साल के क्यों ना हो, लेकिन उनकी फिक्र तो हमेशा रहती है हमें। और आज मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में बहुत लोग ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं जी, लेकिन रात के टाइम पे घर पे आए या एक सपोज लेट हो गया तो मैं हमेशा पूछता हूँ वेयर आर यू, आर यू ओके, आर यू फाइन, ड्राइव सेफली, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे दर्शक हैं, कुछ आपसे कहना चाहते हैं तो हम उनको मौका देते हैं, वो जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। कौन है जी, हाथ खड़ा किया भाई साहब ने? हेलो सर। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। हेलो मैम, मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इम्प्रेस करें कुछ गा के। अच्छा, इम्प्रेस भी करना? क्यों इम्प्रेस करें वैसे? सर एक तरह का जुगाड़ है, मैं चाहता हूँ कि फिर ये गाना अपनी वाइफ को सुना के देन वो मेरे को इम्प्रेस करे। आपकी वाइफ साथ आई है? हाँ। देख लो, दूसरी लड़कियों से तो इम्प्रेस हो रहे हैं, पकड़ो इनको। कहाँ जा रहे भाई साहब, जैकेट तो ऐसी शरीफों वाली पहनी है और फरमाइश देखो। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। नमस्ते। हेलो राजकुमार राव और मोनी रॉय के साथ हम लोग को गरबा खेलने का है। अरे जरूर, हमारी खुशकिस्मती। आ जाइए प्लीज, आ जाइए। अर्चना जी, आपने पहचाना? टिकटॉक पे इनका इतना वीडियो वायरल हुआ है। वाओ, वेलकम वेलकम वेलकम। आपको पता है आपके वीडियो के साथ ना लोग टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, अब कहां गया घुटनों का दर्द? सीरियसली, मतलब आपके डांस का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए जी। चलो शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, कितना अच्छा डांस करती हैं आप, कितना अच्छा डांस करती हैं आप। थैंक यू, थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Very lovely, बहुत अच्छे। Sir, kiss it. Hey. Well, thank you. You like that? I know. You like it? Hey, I like it. Love it, man. That's good, man. Go on, kill it, man. Go on, kill it. Yeah, I like kill it. Hello, how are you? मैं ठीक है, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। Hello, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आपने तीन गुना लगा दिया? मैं दिया। Okay, दिया। मैं हमेशा देते हैं। आप बैठिए। बैठिए। इतना रिस्पेक्ट का आदत नहीं मुझे। और सर, आपके मैं बहुत बड़े फैन है। मैं सच में, आप ये फिल्म में भी डॉक्टर है? Right. आप मुन्ना भाई MBBS में भी डॉक्टर थे? Yeah. इंडस्ट्री में काफी डॉक्टर खेल रहे हैं आप। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है? तुम ट्रेलर नहीं देखे? देखे? ये तुम अपना नयन चक्षु का इलाज कर रहे हो यार। ये सब ट्रेलर में से ऐसा मिला के मैं ये बना दिए, अभी ये सब बात मिला के मैं वो बना देंगे। क्या? मेड इन चाइना पिक्चर। कपू शर्मा, yes. आज का दिन में ना मेरे को कोई भी फालतू राय मत देना, और अगर बाय चांस देना तो मोनी राय देना। नहीं लेकिन मोनी जी, ऐसे मेरे को मत देखिए आप, किधर आप मेरे को दस देंगे तो मेरे तो जाग निकल जाएंगे। नहीं लेकिन मैं देखे, आप पहले एक टाइम पे इच्छाधारी नागिन होते थे, जब आपको पता नहीं है ये आदमी भी ना पहले इच्छाधारी गिरगिट थे। हाँ, गिरगिट कलर्स बदलते हैं ना,
तो ये भी कलर्स बदल के सोनी पे आ गए. मोनी जी, आप इतना ही पूरा चाइना वाइना घूमे ना ये पिक्चर में, अभी आप मेरे साथ लंदन चले हो, मैं आपको लंदन घुमाई गई. शर्म नहीं आती हमारे गेस्ट को छेड़ते हुए? मैं छेड़ नहीं रहा है यार. तो मैं तो उनको वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, ओ कुत्ते को ऐसा जो बांधते हैं गले में, क्या बोलते हैं, पट्टा. मैं उनको पट्टा रहे हैं. इतना फ्रैंक हो रहा है, पहले अपने बारे में बताओ तो सही. मैं क्यों बताएंगे, आप मेरे बारे में सब जानते हैं. आप बताओ ना, आपके गले में वो जमे है क्या, वो क्या बोलते हैं वो, सुबह सुबह पराठा किसके साथ खाते है? दलेर मेहंदी. दलेर मेहंदी के साथ कौन पराठा खाते है? ये क्या बात करते हैं सर? मैं बता रहा हूँ सर, ये ऐसा बात क्यों कर रहे हैं? ये आदमी ना बहुत शातिर है. शातिर? शातिर है. ये अपना शादी में दलेर मेहंदी को बुलाए, उनसे फ्री में बहुत सारा गाना वाना गवाए, और बाद में उनको बोले कि मैं आपका नाम मेरे एपिसोड में ले गए. और ये देखो किधर भी नाम ले लेती है, ये कोई जगह है? दलेर मेहंदी के साथ पराठा कौन खाती है? पराठा उस चीज के साथ खाते हो, व्हाइट व्हाइट होते हैं. दही, दही, दही. व्हाइट व्हाइट मक्खन, मक्खन, दही. तुम जरा चार पैसा आ गया तुम्हारे पास, तो मक्खन कर रहे हो आजकल. ये करेक्ट बोले, दही के साथ में ये वर्ड ढूंढ रहे हैं. ये आदमी को वर्ड मालूम है, लेकिन मेरा जोक का निस्तो नाबूद करने के लिए जानबूझ के वर्ड बोल नहीं रहे है. तुम्हारा गले में दही जमे है यही बोलने का मैं कोशिश कर रहे है कब से. और ये आदमी मेरे को इंट्रोड्यूस भी नहीं करे, मैं अपने आप को करेगी सर. मैं अच्छो यादव, मैं लंदन से आए, मैं लंदन में ब्रिज वासी है. लंदन में ब्रिज वासी है? इट्स लाइक दैट, लंदन ब्रिज है ना, मैं उसके नीचे वास करते हैं. वैसे सर आप न्यूटन में है ना? या या या. तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पे आप क्या लेंगे, ग्रीन टी लेंगे कि ग्रेविटी लेंगे? मैं लेकिन सर आपका वो स्त्री फिल्म देखे, मेरा हक्के बक्के बोचक्के निकल गए. ओहो, मतलब इतना दस्त जबर काम किए आप और अर्चना जी. जबर नहीं, जबरदस्त. खाना पीना, पीना खाना, एक ही बात होती है. जब ज्यादा खाना पीना हो तो दस्त जबर होता है, उसके पहले जबरदस्ती होता है. ऑलराइट ऑलराइट. ये तो वो मतलब जबरदस्त काम किए आप और अर्चना जी. वो फिल्म अर्चना जी कहाँ थी स्त्री में? अर्चना जी नहीं, नहीं, वो आदमी सबसे पहला आदमी जिसको स्त्री उठा के लेके जाते हैं वो अर्चना जी है. और बाद में स्त्री इनसे पूछता भी है कि मेरे को बताओ लोगों को डराते कैसे है, ये भूतों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तुमको मालूम है? वैसे राजकुमार जी, मुझे आपसे एक वो पूछने थे, वो क्या होते हैं जब इंसान बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो वो क्या होते हैं? बहुत क्या? बहुत प्रसन्न. प्रसन्न, प्रसन्न. मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने थे. प्रश्न कि आप ये अपना अलीगढ़ फिल्म के, फिर डायरेक्ट बरेली भी किए आप, अब सीधा चाइना पहुंच गए, ऐसा चाइना क्यों? ऐसा सस्ते पड़े इसका लिए चाइना? वैसे आप देखे तो हमारा सोनी साहब है ना इधर, वो भी इधर एक चाइनीज सिद्धू बैठा है. ए, सस्ते में काफी ज्यादा हंसते हैं. चाइनीज माल के जैसे कोई गारंटी वारंटी भी नहीं आया, कभी भी जा भी सकते हैं. वैसे राजकुमार जी, मैं कोई भी बात बोले ना तो आप ज्यादा हैरान मत होइए. क्यों? क्योंकि ये बहुत हैरान होंगे तो ये राजकुमार हैरानी हो जाएंगे. ये मेरा मेड इन चाइना जोक थे, मेरे को पता नहीं था चलेंगे कि नहीं चलेंगे, पर चल गए. नहीं, पर हमारी मेड इन चाइना चलेगी सर. ऑफ कोर्स सर, कमाल का मैं ट्रेलर देके मैं मतलब हके बाके रह गए. वैसे बोमन सर, मैं बहुत लाइक करते हैं आपको, एक बार सर के लिए जोर बड़ा तालियां हो जाए. कमाल का जुगाड़ कर रहे हैं आप फिल्म में. नहीं कपूर शर्मा, तुमको मालूम है बाहुबली बनाने में लाखों करोड़ों रुपया लगे, लेकिन ये 10 रुपए का सूप पिला के बाहुबली बना देते हैं. और आपका वो गाना तो मेरा एकदम फेवरेट है. कौन सा? वो ओ बोमानिया, आ आ बोमानिया, ओ बोमानिया, आ आ बोमानिया.
वो मनिया नहीं, वो मनिया. और वो इनका गाना थोड़ी है. माई बैड. ये माई बैड. मेरे को पता नहीं थे, लेकिन वो दूसरा वाला गाना फिर मेरा एकदम फेवरेट है. चले जैसे हवाए बमन बमन, जैसे हवाए बम. सनन सनन. ये तो हवा पे किसी का राइट नहीं है ब्रो. तुम्हारा आवाज सनन सनन चलता होगा, मेरा बमन बमन चलते है. हो गया तेरा? नहीं, मेरे नहीं हुए. मैं हुए ही नहीं और हो ना पा सकेंगे भी कभी. मेरे को इधर से भगाने के पीछे पड़े रहे थे. मैं अभी तो आए. अभी आए, अभी आए, अभी आए. मैं सर, अभी आए सर. मेरा एक फोन आया है. सॉरी, मैं फोन ले लेंगे. फोन ले लेंगे. मैं लेते हैं, मैं लेते हैं. ओह, I'm like so rich, you know. Jackie Chan ke mere ko phone aa rahe hai. Yeah, Jackie Chan, bolo. Kya tumko mere se baat kiye bina chain nahi aate hai kya? Kya problem kya hai? Kya tumhara pant ka chain upar nahi ja rahe hai? Tum ek kaam karo, tum khud niche chale jao. Ye chota mota cheez ke liye mere ko phone mat karo, main phone kaat rahe hai. I'm sorry sir, log mere ko bahut disturb karte hai. But I'm very rich, इसलिए ये सब चलते रहे. वो अब मैं चलेंगे सर, मेरे को काम है, लंदन भी पहुंचने के है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. यो 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 यो. ऑलराइट गो. बाय बाय. टेक केयर. थैंक यू. यह एक बार समन सर, मौनी और राजकुमार के लिए जोरदार तालियां. सर आइए. कपिल, मैं कुछ कहना चाहूंगा. जी सर. बहुत बार आया हूं आपके शो में, आज बहुत मजा किया. एंड थैंक यू वेरी मच. और आपने कुछ कहा शो के अंदर कि आप चाहेंगी कि आपके बच्चे के बच्चे भी ये शो देखते रहेंगे. एंड ये भी मेरी दुआ है आपके लिए, बिकॉज आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट. लोगों को हंसाना बहुत बड़ी बात. और आपका शो का असली टेस्ट क्या है कि जब मैं बैक स्टेज में टीवी पे देखता हूँ आपका, जी, आपके क्रू जो हर रोज यहाँ पे आते हैं, जी, आपके म्यूजिशियंस, आपके राइटर्स, जो भी है, इतना एंजॉय करते हैं जैसे कि पहली बार ये शो देख रहे हैं. दैट्स असली. आई लव माय टीम सर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू सर. राजकुमार, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक सर ने बहुत अच्छी बात की कि हंसाना एक बहुत ही पुण्य वाला काम है. ऐसे जो हमारी फिल्म रिलीज हुई है मेड इन चाइना, वो भी आप लोगों को बहुत हंसाएगी, आपको बहुत एंटरटेन करेगी और एक बहुत कमाल की प्यारी सी कहानी कहकर चली जाएगी. थैंक यू राजकुमार. थैंक यू मौनी. थैंक यू बमन सर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. बड़ा मजा आया. और अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत सेल्फी लेने का. जो लेंगे राजकुमार, क्योंकि जो सेल्फी लेता ना उसका मुंह बड़ा आता है, तो मैं मेरा वैसे ही बड़ा है. आइए मौनी. कम बमन सर, एक भाई आप आगे आइए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. लव यू सर. थैंक यू. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.